Assalamu alaikum class. Today we're going to start our lecture number 15, which is a continuation to the previous session, which was on sampling. We are talking about sampling and the different types of kind of sampling designs. As you remember, we talked about sampling, which is very important, because generally, our population of interest jo hoti hai. उससे जब हमें डेटा चाहिए होता है तो सारी पॉपुलेशन से डेटा मिलना मुश्किल होता है. समटाइम्स उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं एसोसिएटेड. मेन जो है अगेन उस पूरी पॉपुलेशन के ऊपर एक्सेस समटाइम्स हमारे पास नहीं होता, या फिर जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो नहीं होते, या जो हमारे पास जो जो टाइम है वो शायद इतना नहीं होता. तो जनरली हम ये करते हैं कि अपनी जो रिसर्च होती है, वो जो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर हमें वो रिसर्च करनी होती है, उनसे एक सैंपल को ड्रॉ कर लिया जाता है और सैंपल के ऊपर फिर रिसर्च की जाती है. उससे डेटा कलेक्ट किया जाता है और सैंपल से डेटा कलेक्ट किया जाता है तो फिर उसके बाद उसके ऊपर सर्टन एनालिसिस किए जाते हैं और फिर रिजल्ट निकाले जाते हैं. और जनरली इसकी जो जस्टिफिकेशन ये जाती है कि जी सैंपल क्योंकि एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द होल पॉपुलेशन, इसलिए जो सैंपल का रिजल्ट आया है वही पॉपुलेशन का होगा. जो सैंपल में लोगों ने कहा है वो जनरली पॉपुलेशन भी यही कहा होगा. और इसको हमारे पास विद डिफरेंट प्रीवियस स्टैटिस्टिकल जो मेथड्स हैं ये डिजाइन हैं उसके थ्रू ये किसी हद तक प्रूव भी हो चुका है कि अगर अच्छी तरह से सैंपल डिजाइन किया गया हो तो उसमें पॉसिबिलिटीज की होती है कि इसकी एक्चुअल पॉपुलेशन से बहुत थोड़ी वेरिएशन होती है, ज्यादा वेरिएशन नहीं होती. तो एट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्च जो प्रोसेस है उसमें हम एक्चुअल फुल जो पॉपुलेशन है उससे हम एक स्मॉलर सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर जो कि उसकी रिप्रेजेंटेटिव होती है फॉर द होल पॉपुलेशन उससे हम लेते हैं. ठीक है, उसमें अगेन वी हैव टू मेक श्योर कि वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ जितने भी उसके मुख्तलिफ उसके स्ट्रीम्स हैं, मुख्तलिफ सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, उन सब की वो रिप्रेजेंट करता हो वो सैंपल, तो फिर हमारा काम सही बनेगा. अदरवाइज प्रॉब्लम नेचुरली होगी अगर हम सिर्फ एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन का ले लेते हैं और वो फुल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है ऑफ द होल पॉपुलेशन, तो प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हम रिजल्ट्स को फिर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं ओवरऑल द लार्ज पॉपुलेशन. तो ये जनरली हमारी डिस्कशन हो रही थी और इसी पे हमारी बेसिकली फोकस है ये सेशन और अगला सेशन भी. बेसिकली हम सैम्पलिंग ही के ऊपर बात करेंगे. अगेन इसकी हमने एक और जो इम्पोर्टेंस ये बताई थी कि क्योंकि आपके पास यही एक मीन्स है जिसके बेसिस पे हम डेटा जब कलेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे. जब एनालिसिस करेंगे तो रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे. रिजल्ट्स के स्टडी के बेस के ऊपर फिर हम बेसिकली जो है सर्टन डिसीजंस लेंगे. तो ये बड़ा हमारा क्रिटिकल पॉइंट है और ये बेसिकली हमारा ऑन दिस टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जब करने जा रहे होते हैं तो ये हमारे जो एक्चुअल फील्ड में जो जिसमें समझ लें कि जो जिसमें इस पर्टिकुलर जो डिज़ाइन जो है रिसर्च डिज़ाइन का एस्पेक्ट है इसका बहुत इन्फ्लुएंस होता है. क्योंकि हमने देखना है क्योंकि हम एक्चुअल जो फील्ड से डेटा लेके आने की बात करते हैं तो हम अपनी टिपिकल एक क्लोज रिसर्च इन्वायरमेंट से निकल के बाहर की इन्वायरमेंट में जाना होता है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. एनीवे तो हम आगे चलते हैं. सेट के सैम्पलिंग डिजाइन में हम लोगों ने थोड़ी सी जो बात लास्ट टाइम की थी दैट वाज टू डू विद प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग. जी तो हमारी जो यहाँ पे डिस्कशन हो रही थी लेकिन अगेन हमने स्टार्ट यही किया था कि सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द राइट इंडिविजुअल्स. ठीक है, और सैम्पल इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन और सैम्पलिंग प्रोसेस इंक्लूड्स डिफाइनिंग पॉपुलेशन, सैम्पल फ्रेम, सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग साइज एंड सैम्पलिंग प्रोसेस. ये हम लोगों ने मुख्तलिफ कहा था कि सैम्पलिंग जो प्रोसेस है उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं कि हमने अपनी पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, हमने अपने फ्रेम जो सैम्पल फ्रेम है उसको डिफाइन करना है, यानी हमारी जो एक पॉपुलेशन की जो लिस्ट है
उसको डिफाइन करना है कि वो क्या किस बेसिस पे होगी. आइदर गोइंग टू बी आईडी पे होगी, नेशनल आईडी पे होगी, नेम्स पे ऊपर होगी, टेलीफोन नंबर्स पे होगी, किस के बेसिस पे ऊपर होगी, ये हम लोगों ने डिसाइड करना है. और उसके बाद फिर हमने देखना है कि अच्छा अब ये हमारा जो जो सैंपल लेंगे उसका क्या डिज़ाइन क्या होगा, उसका प्लान क्या होगा, किस तरह हम सैंपल को कलेक्ट करेंगे. और फिर थोड़ी सी हमने बात की थी कि सैंपल साइज़ कैसे जो है उसकी इम्पोर्टेंस है, और उस पर थोड़ी सी मज़ीद हम बात करेंगे आज और इससे नेक्स्ट सेशन में. और बेसिकली ये हमने कहा कि रिसर्च प्रोसेस है, सैम्पलिंग का रिसर्च प्रोसेस है. आज के लेक्चर में अगेन हमारी जो फोकस होगा सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर से हम ये मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग ऑन और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग के ऊपर. इनमें इनकी जो डिफरेंट इसके अंदर मेथड्स हैं उनको हम देखेंगे सैम्पलिंग के, और उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे. इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे पास जो जो इश्यूज आते हैं इन टर्म्स ऑफ सैंपल डिज़ाइन, वो उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी आज बात करेंगे. तो लेट्स गेट बैक टू दी जो टॉपिक है जिस पर हम बात कर रहे थे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग क्या होती है. दी इसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो बेसिक इसका क्राइटीरिया ये है कि हमारे पास जो रिस्पोंडेंट को पिक करने का जो है हर रिस्पोंडेंट का इक्वल चांस है टू बी पिक्ड. जब आप प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग करते हैं तो हमारे पास बिफोर हैंड जो भी पॉसिबल रिस्पोंडेंट्स होते हैं हमारी पॉपुलेशन के, वो हमारे पास सामने लिस्ट में उसकी अवेलेबल होते हैं. और क्योंकि अवेलेबल होता है और उनमें से हमने कुछ को पिक करना होता है, तो जो क्योंकि अवेलेबल है इसलिए उन सब का चांस इक्वल स्टैंड होता है. तो जब ऐसी कुछ सिनेरियो हो हमारे पास नोन रिस्पोंडेंट्स हों तो फिर ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग का बेस बन जाता है. इस पे ऑन द अदर हैंड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस में ये है कि हमारे पास हमें पता नहीं होता कि हमारे एक्चुअल रिस्पोंडेंट्स कौन हैं. जैसे कि अगर हम किसी सुपरमार्केट में खड़े होकर किसी बाज़ार में जाके हम कोई भी जो आ रहा है जो भी उधर से बाज़ार में शॉपिंग कर रहा है उससे अगर हम कहते हैं कि कोई सर्वे फिल कर दे, कोई क्वेश्चनेयर फिल कर दे या कुछ आंसर्स को जवाब दे दे, तो वो क्वेश्चंस के आंसर जवाब दे दे, तो वो नेचुरली उस रिस्पोंडेंट का हमें प्रायर पता नहीं होता, प्रायर हमें नॉलेज नहीं होता कि कौन है, होगा कि नहीं होगा. वो बाय जो है वो वर्चू बाय जो एक इंसिडेंट के तौर पे वो वहाँ पे मौजूद है और हमने उससे सर्वे उससे क्वेश्चनेयर फिल करवा दिया, उसका प्रायर चांस हमें नहीं पता था कि वो हो, उसका क्या चांस है. लेकिन अगर इसी तरह हम कहें कि नहीं, हम अपने जो नोन कस्टमर्स हैं फॉर दैट मैटर, जो मेरे पास रजिस्टर्ड कस्टमर्स हैं या पुराने मेरे कस्टमर्स हैं जिनका मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं उनके ऊपर, वो मेरी पॉपुलेशन है, तो उस सूरत में हमारे पास उन कस्टमर की एक लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है और हम उनमें से 200, 500, 600 जो भी हमारे पास लिस्ट में हमारे पास कस्टमर्स हैं उनको हम उनमें से हम पिक करते हैं. अब ये है कि जो क्योंकि हमारे बिफोर हैंड उनकी एक कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है, तो उनको पिक करना हमें आउट ऑफ द टाइम सबका बराबर चांस है कि वो पिक हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास वो सब उस वक्त मौजूद है. तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग की बेसिस है. और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड की जो है वो यही है कि हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हमारा रिस्पोंडेंट एक्चुअली उसका लिस्ट या उसका नाम, उसकी आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं होती. हमें जनरल पॉपुलेशन तो आइडेंटिफाई की होती है, हम कह सकते हैं कि जी शॉपर्स एट दी जिना सुपरमार्केट जो है एक मार्केट है उसके अंदर उसके हम सर्वे कर रहे हैं, उनसे हम क्वेश्चनेयर फिल करा रहे हैं. अब वो कौन होंगे हमें पहले से नहीं पता. लेकिन इसके बगैर इसके ऑन द ऑपोजिट ये है कि हम कह सकते हैं कि हमारा एक स्टोर है और हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, टिपिकल कस्टमर्स हैं जो रूटीन में आते हैं, हमें पता है हमारे उन हमारे उनके पास हमारे पास उनका नाम लिखा हुआ है, एड्रेसेस हैं, टेलीफोन नंबर्स हैं. अब हम आउट ऑफ दी जो हमारे नॉन कस्टमर्स हैं उनमें से हम पिक करेंगे, चूज करेंगे. तो ये एक आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग का बेस बनता है. तो जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है अगेन उसमें मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं बेस्ड ऑन दी अगेन डिफरेंट आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड द सिनेरियो के बेस के ऊपर आप
उन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन और पॉपुलर है वो उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। इस बेसिकली में क्या कहता है टेक्निक विच इज़ इंश्योर्स के जितने एलिमेंट्स हैं और वो उन सब के पास इक्वल चांस है बीइंग सिलेक्टेड। ये तो जनरल भी डेफिनेशन है। और इसमें बात यह है कि ये इन अ सेंस के सबसे ज़्यादा जनरलाइजेबल है। इसके जो जो रिजल्ट्स होंगे हम ओवरऑल पॉपुलेशन जो भी हमारी है 500 कस्टमर्स हैं हमारे नोन पार जो टेलीकॉम कंपनी है उसके 5,000 कस्टमर्स हैं वो हमें नोन है उनके ऊपर वो जनरलाइज किया जा सकता है। जब हम सैंपल लेंगे और सैंपल जब सेलेक्ट किया जाएगा जो सैंपल पिक किया जाएगा वो हर एक का इसका इक्वल चांस होगा तो हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमारी कोई बाइसेस नहीं है हमारे कोई प्रेफरेंस नहीं है हमारा कोई उसमें अमल दखल नहीं है ये हर एक का इक्वल चांस है। ऑन दी अदर हैंड जब हम सुपरमार्केट में खड़े हैं तो वो ऐसा है कि वो तो जो बाज़ार में आ गया उसका चांस है कि वो पिक उस दिन हो जाएगा तो उस दिन बाज़ार में नहीं आया वो आपको सर्वे में नहीं शामिल हो पाएगा। तो ये डिफरेंस है। कुछ एडवांटेजेस हमने कहा कि इसमें जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है जिसमें बेसिकली सिंपली आप क्या करते हैं कि जैसे एक रेफरल टिकट निकाला जाता है एक हैट में आप लोगों का नाम लिख देते हैं डाल देते हैं और वो आप पिक कर लेते हैं क्योंकि सब लोगों के नाम उस हैट में पड़े हुए हैं उस बकेट के अंदर पड़े हुए हैं उस बकेट से आपने निकालना है। अब वो किसी का भी नाम निकला आ सकता है क्योंकि आपने उस बकेट को शेक किया हुआ है या आपके बकेट के अंदर 10 बॉल्स पड़ी हुई हैं उन पे मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं वो उन बॉल्स में से कोई भी पिकी हो से पिक की जा सकती है आपको नज़र नहीं आ रहा आप देखे बगैर उसमें से पिक करते हैं तो इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। और ये ऑल्दो कभी कभार एक्सपेंसिव भी हो सकता है क्योंकि इसका टाइम इसमें अगर हम सैम्पल साइज़ डिटरमाइन कर लें और बड़ा सैम्पल साइज़ हम लेना पड़ जाए तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है इसको एग्जीक्यूट करना लेकिन जनरली बाई फार इसको इसकी जनरलाइजेबिलिटी जो है इस मेथड की ज़्यादा है। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी हम और मज़ीद आगे देखते हैं। ये जो एक पिक्चर बनाई हुई है बेसिकली इसमें से कि आपके पास एक हैट है और उसमें से उसको इंडिविजुअल जो है वो पिक कर रहा है प्रोवाइडेड कि वो जो पिक कर रहा है वो उसको देख नहीं सकता उसको पढ़ नहीं सकता पहले तो उसकी अपनी कोई बायस नहीं है तो इसको हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक कहते हैं। इसके अलावा जो हमारी टेक्निक्स हैं जिनमें आपके पर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के अंदर आती हैं उनको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड और कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। ये एक अल्टरनेट है टू द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स। इसमें कुछ मजीद टेक्निक्स हैं जो स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स हैं। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स में हमने कहा कि जैसे हमने 5,000 कस्टमर्स या 500 कस्टमर्स में से हमने 50 या 100 को हमने एज सैम्पल जो है वो चुनना है तो हमने 100 नेम्स निकालने होंगे अपने उस ऐप में से वन बाय वन तो हम निकालते चले जाएंगे। तो उसमें ये है कि हमारे पास उनका एक हमारे पास एक मेथड है लेकिन ये थोड़ा कंबरसम भी है टाइम कंज्यूमिंग भी है लेकिन उसके अदरवाइज आपके पास जो दूसरे टेक्निक्स हैं उनमें हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड जो आ जाती हैं कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स उसमें हमारे पास कुछ ऐसी हैं सच एज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्लस्टर सैम्पलिंग जिसकी अगेंस्ट एक सब क्लास है जिसको एरिया सैम्पलिंग कहते हैं या डबल सैम्पलिंग। तो ये मुख्तलिफ तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जो प्रोबेबिलिटी बेस्ड के जो मेथड है उसके ऊपर बेस करती हुई टेक्निक्स हैं और इनका अगेन बेसिक ये है कि आपके पास जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके पास लिस्ट अवेलेबल होगी तो तभी यह पॉसिबल है ताकि आपके नोन लिस्ट ऑफ इवेंट्स नोन लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नोन लिस्ट ऑफ जो है रिस्पोंडेंट्स पता होंगे तो फिर यही अप्लाई हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो दूसरी तरह की टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक तो उसमें ये है कि आप बेसिकली एक इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे आप जो कुछ जो नाम है कुछ जो इवेंट्स हैं कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं कुछ जो मशीन्स हैं उनको जो है पिक करते हैं उनको हम रैंडमली पिक करते हैं और इसके बाद जो है जो जितने भी बाकी के जो
पिक किए जाते हैं वो एक सिस्टमैटिक सिस्टम के तरीके से किए जाते हैं, एक सिस्टम के बेस के ऊपर किए जाते हैं. और वो बेसिकली बेसिकली इस तरह है कि आप सबसे पहले ये क्या करते हैं कि आप अपने सैम्पल इंटरवल को एक आइडेंटिफाई करते हैं, जो बेसिकली बेस करता है ऑन द फॉर्मूला कि पॉपुलेशन साइज जो है विच इज़ एन डिवाइड बाय द प्री डिटरमाइंड सैम्पल साइज. तो हम क्या करते हैं कि लेट्स से 5,000 आपके पास कस्टमर्स हैं टेलीकॉम कंपनी के, उसको डिवाइड करते हैं हम अपने सैम्पल साइज से, विच माइट बी कि हम कहते हैं हमारा सैम्पल साइज 100 होगा, तो उससे डिवाइड कर देते हैं. तो जो SI आता है विच इज कॉल्ड द सैम्पलिंग इंटरवल, ये निकालते हैं. इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या हैं. गेन तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, SI निकालते हैं विच इज़ जो टोटल आपका पॉपुलेशन साइज है उसको डिवाइड करते हैं बाय द सैम्पल साइज, और सैम्पल साइज से डिवाइड करते हुए आप जो है टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय द सैम्पल साइज, ये आपका SI आ जाता है. अब SI जब आ जाता है तो आप क्या करते हैं कि 1 से लेके 10 तक जो है आप एक नंबर्स जो है जो आपके पास 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी आपने सीरियल नंबर लगाया है अपने रिस्पोंडेंट्स को, 1, 2, 3, 4 उनमें से क्या करते हैं कि जो फर्स्ट 1 से लेके जो 10 तक हैं उनको एक हैट में डाल देते हैं या एक बॉक्स में डाल देते हैं, और जो पहला है उनमें से जो है पिक किया जाता है और दैट बॉक्स विदाउट सीइंग कि क्या क्या कौन सा नंबर पिक हो रहा है, जैसे कि हमने प्योर सिंपल रैंडम सैंपल टेक्निक में किया था. तो बिल्कुल वही प्रोसेस किया जाता है, लेकिन पहले सिर्फ 10 जो है उनको पिक करने के लिए. तो पहले 10 में से जो पिक करने के लिए वो हम करते हैं. तो जब हम ये कर लेते हैं तो बेसिकली हमारे पास जो 1 से 10 के दरमियान में जो है ना वो एक नंबर निकल आता है, सच एज कि जैसे कि आपके पास नंबर 3 निकल आता है 1 से 3, तो सीरियल नंबर 1 से 10 के दरमियान में सीरियल नंबर 3 निकल आता है. आप क्या करते हैं कि आप सीरियल नंबर 3 में क्या करते हैं, ये तो प्योर रैंडम सैंपल टेक्निक से निकल आया, ठीक है, लेकिन आपने रादर देन 200 के दरमियान में से 20 जो है 1 by 1 आप निकालें, आपने क्या किया सिर्फ पहला जो है वो रैंडम प्योर रैंडम सैंपल टेक्निक से निकालें. उसके बाद फिर क्या करते हैं कि उसके अंदर जो नंबर आपके पास निकलता है सीरियल नंबर उसके साथ आप प्लस 10 करते हैं विच इज़ योर SI यानी सैंपल इंटरवल को आप ऐड कर देते हैं. जब ऐड करते हैं तो नेक्स्ट सीरियल नंबर आ जाता है, जब नेक्स्ट सीरियल नंबर आ गया तो फिर इसमें फिर प्लस 10 कर देते हैं आप, फिर प्लस 10 करेंगे तो आपके पास सीरियल नंबर 23 आ जाएगा, जो कि आपके 1 से लेके 200 जो कस्टमर थे सीरियल नंबर इनको लगे हुए इनके दरमियान में. अब आप क्या करेंगे, पहला आपका जो रिस्पोंडेंट होगा सीरियल नंबर 3 पे होगा, दूसरा रिस्पोंडेंट जिसे आप करवाएंगे वो सीरियल नंबर 13 पे होगा, और तीसरा जो होगा वो 23 के ऊपर होगा, और इसी तरह आप करते चले जाते हैं टिल आपके पास 20 सैंपल्स इकट्ठे हो जाएं, जो कि आपने पहले से डिसाइड किया कि मेरे पास 20 सैंपल्स होंगे, और उसके बेसिस के ऊपर फिर आप जो है डिसाइड करेंगे. तो ये बेसिकली हमारी कॉम्पोजिशन है इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या चाह रहे हैं और हम किस तरह अपना सैंपल जो है ड्रॉ कर रहे हैं सब, ठीक है ना. तो हम बात कर रहे थे कि एक सैंपल हमने निकाला है, लेकिन अब सैंपल को ड्रॉ करने का तरीका क्या है. हमने कहा प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैंपलिंग, उसमें हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग देखी, और अब ये हमने जिसको कहते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक देखी, और इससे हमने देखा कि कैसे हम अपना जो है थोड़ा सा मोर ये स्ट्रीमलाइंड है, लेस कम्बरसम है. वहाँ पे हमें 20 को निकालना पड़ता है, 20 भी अगेन गए तो ऐसे तो सच 20 निकालना को इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास सैंपल्स से जो है साइज वो 400-500 हो तो उनको निकालना नेचुरली डिफ़िकल्ट है उस नंबर को. तो ये दिस इज़ वन वे ऑफ, ये थोड़ा सा ये तरीका अगर करेंगे तो उसमें सिर्फ हमने पहला जो निकालना होता है आइटम, पहला जो निकालना होता है सीरियल नंबर, वो हम प्योर निकालते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक से. इसके बाद जितने भी निकालते हैं वो हम फिर हम एक सिस्टम से निकालते हैं, जो कि बेसिकली आपके
जो आपकी जो इंटरवल है उसको ऐड करते चले जाते हैं और आपके पास अब इस सिस्टम की, क्योंकि इस थोड़ा सिंपलर है, टाइम कंज्यूमिंग भी कम है, इसके साथ थोड़ी सी एक आध को इशू प्रॉब्लम ये भी है कि सम टाइम्स क्या होता है कि आपका सिस्टम ऑफ जो एडिंग है ये मैच कर जाता है आपकी उस लिस्ट जो आपने बनाई है पॉसिबिलिटी या उसकी किसी कोइंसाइड कर जाता है, तो उसमें होता है कि सर्टन रिस्पोंडेंट्स, टाइप ऑफ रिस्पोंडेंट्स बार बार रिपीट होने शुरू हो जाते हैं बिकॉज आपका सिस्टम और जो लिस्ट आपने बनाई है, जो आपने सैम्पल के आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम बनाया है और जो आपने जो लिस्ट बनाई है, उस जो लिस्ट है और जो सैम्पल आइडेंटिफिकेशन का जो जो मैकेनिज्म है वो मैच कर जाता है। जैसे कि अगर आपने ऐसा है कि आपके पास स्ट्रीट में सर्टन हाउसेज हैं, तो आपने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है जिसमें बेसिकली हर सेवन्थ घर जो है वो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्लस सेवन प्लस सेवन प्लस सेवन करके। अब ऐसा हो सकता है कि उस जो जो सिटी है या वो जो टाउन है, वो जो जो शहर है, उसका हर सातवां घर जो है वो शायद सेंटर में ही आता हो ऑफ द स्ट्रीट हमेशा, क्योंकि वो डिज़ाइन ही ऐसा है कि उसके अंदर आपके पास हर सेवन्थ घर जो है टेंड्स टू बिकम द सेवन्थ द मिडल हाउस ऑफ दी। तो जो टाउन प्लानर्स हैं उन्होंने भी एक सिस्टम से स्ट्रीट्स को डिवाइड किया होता है, तो उनकी डिविजन और उनका मैकेनिज्म ऑफ एलोकेटिंग नंबर्स एंड गिविंग नंबर्स टू द हाउसेस, और आपका जो मैकेनिज्म है जिसमें आप अपने नंबर्स ऐड कर रहे हैं वो मैच कर जाता है कभी कभार, और उसमें फिर क्या होता है कि जो सर्टन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिस्पोंडेंट जो है वो बार बार और आइडेंटिफाई हो जाते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन की जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी है, उसमें जनरली अगेन यही होता है कि आपके पास जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके डिपार्टमेंट्स में आपके हेड्स पहले उनके नाम होते हैं, फिर उसके बाद नीचे उनसे जूनियर से जूनियर और उन जूनियर। अब ये हो रहा होता है कि अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज डेटा लेना है और उसमें आपके पास जब भी आप एक एडिशन नंबर्स में ऐड करते हैं तो उससे ये होता है कि वो आपकी आपका वो मैकेनिज्म जो है वो मे बी हर दफ़ा 15th इंडिविजुअल को पिक कर रहा हो, जो कि यूजुअली लो आपके डिपार्टमेंट में मिडिल और लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के साथ में आता हो। तो उसमें यह है कि वो हमेशा फिर आपका क्या होगा, बार बार उसी टाइप के लोग रिस्पॉन्स करने में शुरू हो जाते हैं, तो एक्चुअली वो तो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ही, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास मिडिल मैनेजर्स भी हैं, टॉप मैनेजर्स भी हैं, आपके ऑपरेशन मैनेजर भी हैं, आपके पास स्टाफ है, आपके पास और लोग हैं। तो अगर कोई आपका सिस्टम कभी ऐसा हो सकता है तो उसके साथ कोइंसाइड कर जाए, तो फिर ये होता है कि वो आपकी जो सैंपल ड्रॉ हो रहा है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी पॉपुलेशन नहीं है। एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। इस बेसिकली टेक्निक पे क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम टेक्निक को यूज़ करते हुए सब सैंपल्स को ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्राटा का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई नज़र आ रहा हो कि हमारे डेटा सर्टन ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, या हमारे सॉरी हमारा जो पॉपुलेशन है वो सर्टन स्ट्राटाज में डिवाइड किया जा सकता है, सर्टन टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे मेल या फीमेल है, या हम कह रहे हैं कि आपके आपके जैसे हाई स्पेंडर्स लो स्पेंडर्स हैं, या ऐसे हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है कि जो डेटा आपके पास जैसे स्टूडेंट बॉडी है उसको हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं इनटू द ईयर ऑफ देयर एजुकेशन, तो जब हमें वो ऐसा कोई डेटा नज़र आ रहा हो तो हम फिर क्या करते हैं कि वहाँ पर हम बेसिकली कोशिश करते हैं कि जो हमारा सैंपल ड्रॉ हो उन उन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो मुख्य सब ग्रुप्स हैं विद इन द मेन पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन आए, जब ऐसी कोई चीज़ हो और हमें नज़र आती हो कि एक सर्टन सब ग्रुप्स हैं जो यूनिक अपने उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेकिन वो डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, यानी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सेकेंड ईयर से फ़र्क है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से और फोर्थ ईयर, या आपके मेल फीमेल से डिफरेंट है, तो डिपेंडिंग अगेन आपकी स्टडी क्या है, और अगर स्टडी में आपको ग्रुप्स के ऊपर आपने स्टडी करनी है और ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आप स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं। और इसमें बेसिकली
आप अपने स्ट्रेटस को डिवाइड कर देते हैं, और इसमें बेसिकली कोशिश किया जाता है कि आपके पास जो स्ट्रेटा को डिवाइड किया जाता है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, और जो आपके विद इन द ग्रुप जो है उनमें होमोजेनिटी होनी चाहिए और अमंग द ग्रुप्स हेट्रोजीनियोटी होनी चाहिए, यानी सिमिलर टाइप्स के लोग जो हैं वो एक ग्रुप के अंदर हों, लेकिन और आपके पास तो ये लेट्स से आपके पास ये एक तरह के लोग हैं, ये एक तरह के लोग हैं, ये एक तरह के लोग हैं, तो आप बेसिकली ये अगर आपका फुल पॉपुलेशन है तो इसमें ये कुछ तरह के लोग हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं, कुछ तरह के लोग हैं, और ये मुख्तलिफ तरह हैं, तो इनमें होमोजीनियस आपस में होमोजीनियस है, ये सारे डॉट डॉट्स लगे हुए हैं, ये सारे डैश लाइन लगे हुए हैं, ये सारे क्रॉसेस हैं, ये क्या है, होमोजीनियस है, और लेकिन और ये आपस में क्या है, हेट्रोजीनियस है, यानी ये सेपरेट है फ्रॉम दिस, ये नहीं है कि डॉट्स यहाँ पे भी हैं, तो इनमें हेट्रोजीनिटी है, आपस में इनकी हेट्रोजीनिटी है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कि द स्टूडेंट बॉडी ऑफ सी आई आई टी इज डिवाइडेड इन टू टू ग्रुप्स, मैनेजमेंट साइंस के ग्रुप, इंजीनियरिंग ग्रुप, डिपेंडिंग अगेन स्टडी किस पे कर रहे हैं, अगर प्रोग्राम वाइज आप स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें फिर आप इस तरह डिवाइड कर सकते हैं। सो फ्रॉम ईच ग्रुप स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड फॉर अ सैम्पल यूजिंग द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक, और इसमें दो लेट्स से आप दो ग्रुप्स हैं तो वेयर बाई जो आपके जो आपके दोनों ग्रुप्स में फिर क्या करते हैं, आप रैंडमली सैम्पल ड्रॉ करते हैं ताकि आपकी रिप्रेजेंटेशन आ जाए दोनों ग्रुप्स की, क्योंकि उसमें आप देखें अगर आप लेट्स से दो ग्रुप्स हैं आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, एक आपके पास मैनेजमेंट साइंस के, दूसरे आपके पास इंजीनियरिंग के, और आप इंश्योर करना चाहते हैं कि दोनों की रिप्रेजेंटेशन आए, ये ना हो कि मैनेजमेंट साइंस से ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर जाए, क्योंकि अगर आपकी स्टडी का फोकस जो है वो डिटरमाइन करता है कि आपने इनको ग्रुप वाइज स्पेशली प्रोग्राम वाइज आपने एनालिसिस करना है, तो फिर आप अपने जो जो पॉपुलेशन है जो कि स्टूडेंट बॉडी ही है, लेकिन उसको आपने ऐसे स्टडी करना है कि दोनों की रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर, क्योंकि आपका फोकस जो है वो एट द एंड ऑफ द डे वो ये है कि हमने प्रोग्राम वाइज एनालिसिस करना है, अगर आपके स्टडी का पर्पज़ में ये है कि नहीं हमने ईयर वाइज एनालिसिस करना है, तो फिर अगेन आप देखें कि आपका इस ग्रुप को सेपरेटली किया जा सकता है ऑन सर्टन बेसिस, तो जो भी हमारा बेस है उसमें हम देखना है कि आपस में उनकी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के बेस के ऊपर उनको ग्रुपिंग कर दी जाए, तो जब हम उनको ग्रुप्स बना देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं, तो फिर इन ग्रुप्स के अंदर से हम रैंडमली जो है जो है इंडिविजुअल्स या रिस्पॉन्डेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। अब अगेन रैंडमली इसलिए कि हमारे पास अगेन बेस वही है कि हमारे पास रिस्पॉन्डेंट्स जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट साइंस में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट्स जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनका भी हमारे पास एक फुल फ्रेम या उनकी फुल लिस्ट पाजू में, इस तरह जो जो हमारे पास मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनकी हमारे पास पूरा एक फ्रेम अवेलेबल है। अब हमने बेसिकली क्या करना है कि हमने इनके अंदर से रैंडमली जैसे जैसे सिंपल रैंडम की जैसे हमने टेक्निक बात की थी उस तरह यूज़ करते हुए हमने इसके अंदर से अपने डिफरेंट रिस्पॉन्डेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। तो अगेन ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग की टेक्निक आ गई, लेकिन इसमें ख्याल ये करना है कि अगर हमारी स्टडी का फोकस ऑन सर्टेन ग्रुप्स है तो हम फिर उस सर्टेन ग्रुप्स के वाइज अपनी पॉपुलेशन को सेगमेंट करें और उसमें से ये प्रॉपर जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन आए, तो ये चीज़ें हमें ख्याल रखनी पड़ेगी, और वो जो रिप्रेजेंटेशन आए अगेन उसमें हमने मेक श्योर करना है कि जो है आपके पास उन जो दोनों ग्रुप्स की रिप्रेजेंटेशन आपके पास सामने आए, ताकि आप एनालिसिस करते हुए कह सकें कि हाँ जी ठीक है कि हमने दोनों की रिप्रेजेंटेशन ले ली है, इसलिए हमें अब कोई इशू नहीं है, हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमें एनालिसिस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो हमने सिलेक्ट जो किए हैं वो रैंडमली किए, लेकिन हमने उनको पॉपुलेशन को डिलिबरेटली ब्रेक डाउन किया टू ग्रुप्स जो कि एक सर्टन कैरेक्टरिस्टिक पे सिमिलर थे, आइदर इट्स प्रोग्राम और इट्स ईयर। अब ईयर पे आपने सिमिलरिटी कर दी है तो उसमें आपने दोनों तरह के प्रोग्राम्स के इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, लेकिन उसमें आपका जो बेस है वो ईयर है, आपके एनालिसिस का जो बेस है वो ईयर है और उस पर आपको एनालिसिस करना चाहते हैं कि फर्स्ट ईयर की ईयर्स के स्टूडेंट का क्या व्यू है अबाउट द इन्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, सेकेंड ईयर वालों का क्या है, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, अगर ऐसा आपने कोई आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि आप कहते हैं कि निजी ईयर ऑफ एजुकेशन जो है वो लिंक करती है विद द इशूज़ टू द इन्वायरमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी,
तो सो भी है तो, लेकिन उसमें फिर अगेन आपका जो फोकस है वो ये रहा। अगर आप कहते हैं नहीं प्रोग्राम्स में इशू आ रहा है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम वाले बच्चे ज्यादा मुतमईन है एज कम्पेयर टू मैनेजमेंट वाले, या मैनेजमेंट वाले ज्यादा, अब आपका फोकस जो है वो क्या है, प्रोग्राम्स हो गया, और उसमें फिर आपको अपनी पॉपुलेशन तो स्टूडेंट बॉडी है लेकिन उसको डिवाइड आपने इनटू टू सेगमेंट्स करना है। इधर आपने प्रोग्राम वाइज करना है, अगर आप कहते हैं नहीं ईयर वाइज मेरा हाइपोथेसिस बनाया हुआ है, ईयर वाइज मेरी स्टडी का पर्पस है कि मैं देखूं, तो उसमें फिर आप स्टडी उस तक करेंगे, और फिर जब ग्रुप्स बना लेंगे आप, उसमें से उनकी जो लिस्ट बनाई जाएगी हर एक ग्रुप के अंदर की, उसमें से हम रैंडमली अपने जो है रिस्पॉन्डेंट्स को लेंगे, और ये हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की एग्जाम्पल है। क्लस्टर सैम्पलिंग जो है, इसमें भी बेसिकली आपको सॉर्ट ऑफ एक ग्रुप्स होते हैं जिनमें हम अपने डेटा को, अपने ग्रुप्स को डिवाइड करते हैं इनटू क्लस्टर्स। ये भी अगेन सॉर्ट ऑफ एक ग्रुपिंग के ग्रुपिंग के बेस पे हम अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, और इसमें हम बेसिकली जो इशू है वो ये है कि आपके पास द क्लस्टर सैंपल्स ऑफर, इनमें हेट्रोजेनिटी विद इन द ग्रुप्स होने चाहिए और होमोजेनिटी अमंग द ग्रुप्स होने चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई एक क्लस्टर ऑफ जो है ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, अब आपने जो क्लस्टर है एक पूरा एरिया है जिसमें आपके लेट से आपके पास सर्टन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, अब आपने इंश्योर करना है कि अगर इसको हमने क्लस्टर को ब्रेक डाउन किया है इनटू सब ग्रुप्स, तो जो उसके ग्रुप्स होंगे वो हमने इंश्योर करना है कि वो ग्रुप्स जो हैं वो हेट्रोजीनियस हों, यानी कि उस ग्रुप्स के अंदर जो है मुख्तलिफ तरह के लोग हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने जैसे एग्जाम्पल दी, ये हमारी अगर फुल पॉपुलेशन है, तो हमारे पास अगर लेट्स से ये क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर है और एक ये क्लस्टर है, तो इसके अंदर भी डॉट्स होंगे, क्रॉसेस वाले भी मौजूद होंगे, ठीक है, सॉरी आई एम जस्ट ट्राइंग टू ड्रॉ दिस, एंड इस तरह के डैश वाले भी हैं, तो डैश वाले इधर भी हैं और इधर भी डैश वाले हैं, तो ये हम कहते हैं कि ये हेट्रोजेनियस है ये ग्रुप, यानी ये इनमें मिक्स है, इसमें भी मिक्स आ रहे हैं, ये भी मिक्स है, ये नहीं है कि होमोजेनियस हो। तो हम क्या करते हैं, अपने क्लस्टर्स को ऐसे डिवाइड करते हैं कि उसके अंदर हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ जो है रिस्पॉन्डेंट्स या ऑब्जेक्ट्स मिल जाए, और फिर क्योंकि ये सारे के सारे हेट्रोजीनियस हैं, ये जो है इस बिल्कुल इससे दोनों में, अदरवाइज ये होमोजीनियस है, दोनों मैच करते हैं, और आप अमंग जो ग्रुप है वो होमोजेनिटी अमंग द ग्रुप, यानी ये और ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, ठीक है, ये भी ये आपस में एक दूसरे से बहुत मिलते हैं, तो यानी अगर ये आपस में सारे मिलते हैं तो अंदर से, लेकिन चाहे ये मुख्तलिफ के हैं लेकिन ओवरऑल कॉम्पोजिशन जो है इनकी आपस में मिलती है, तो हम कहेंगे कि ये हेट्रोजीनियटी है विद इन द ग्रुप और होमोजीनिटी जो है अमंग द ग्रुप है। जब हम ऐसे हमारा कुछ सिचुएशन बन सकती हो, और हम क्या करते हैं कि उसमें फिर हम क्या करते हैं कि सर्टन जो क्लस्टर्स हमने बनाए होते हैं, क्लस्टर्स बनाए इसी तरह जाते हैं, कीपिंग दिस इन माइंड कि आपस में जो क्लस्टर्स बनाए गए हों, जो भी तीन या चार या पाँच क्लस्टर्स बनाए गए हैं ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन, उनमें से ये 10 कहा क्लस्टर्स बनाए गए हैं, उनमें से आपस में वो जो है वो ऐसे लगे कि वो होमोजीनियस ही हैं, उनमें कोई फर्क ना हो आपस में, वो सारे के सारे एक जैसे ही हों, गो के अंदर उनकी रिप्रेजेंटेशन चाहे डिफरेंट हो लेकिन ऊपर से दोनों बिल्कुल एक जैसे हों, तो उसमें ये क्या करते हैं हम, इस केस में हमारे पास ये आपकी जिसको हम कहते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाई जाती है। अब क्या किया जाता है कि इसमें से आप क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल दी क्लस्टर्स या ग्रुप्स, हम क्या करते हैं कि रैंडमली एक या दो या तीन क्लस्टर्स को पिक कर लेते हैं आउट ऑफ द फाइव जो भी हमारे पास है, या सिक्स जो भी हैं, या टेन हमारे अपने क्लस्टर्स बनाए हैं, या दस क्लस्टर्स बनाए हैं, तो उनमें से हम क्या कहते हैं रैंडमली दो को पिक कर लेते हैं, रैंडमली वन से लेकर टेन, और लेट्स से वही सिंपल रैंडम की टेक्निक यूज की, नाम्स हमने उनके नंबर डाल दिए, हमने कहा हम एक्चुअली सैम्पलिंग कहाँ से ड्रॉ करेंगे, हम क्लस्टर नंबर फोर और क्लस्टर नंबर सिक्स से ड्रॉ करेंगे। अब ये दो क्लस्टर्स हमारे पास आ गए,
आउट ऑफ द 10 क्लस्टर्स. अब हम बेसिकली जो एक्चुअल सैंपल ड्रॉ करेंगे, फाइनल सैंपल जो ड्रॉ करेंगे, वो हम अपने इन सैंपल क्लस्टर नंबर 4 और 6 से ड्रॉ करेंगे. बाकियों को हम छोड़ देंगे, क्योंकि ये बाकी जितने भी सैंपल्स हैं, जितने भी सारी सब ग्रुप्स हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक दूसरे की तरह की ही हैं बिल्कुल. तो अगर हम इसमें से दो का खाली निकाल लेंगे, उनमें से दो का निकाल लेंगे, तो ये सारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी. तो इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं. इसमें एक स्पेसिफिक जो टेक्निक है उसको हम एरिया सैम्पलिंग टेक्निक भी कहते हैं. और इसमें आप कहते हैं कि आपके पास बेसिकली स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लस्टर सैम्पलिंग होती है, और इसमें जनरली जियोग्राफिक एरिया जो है वो उसको कंसिडर किया जाता है, सच एज कंट्रीज, सिटीज एंड ब्लॉक्स इन अ सिटी. तो इसमें उनको पर्टिकुलर बाउंड्रीज में हम उनको डिवाइड कर दिया जाता है. और बेसिकली ये एक थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव है. तो हम अगेन क्लस्टर्स में हम डिवाइड कर देते हैं एक शहर को, मेकिंग श्योर ऐसा ना हो कि एक सर्टन हमारे पास एक ओवरऑल एक क्लस्टर जो है वो एक टिपिकल ना हो. जितने भी क्लस्टर्स बनाए गए हैं वो बेसिकली ऐसे बनाए गए हैं जो कि अदर क्लस्टर्स से बिल्कुल मैच करते हों, उसमें कोई खास अलहदा चीज़ ना हो. ये ना हो कि एक क्लस्टर में सिर्फ लेट्स से आपने पब्लिक ऑफिसेस की बिल्डिंग है उसको हमने चूज कर लिया है, और दूसरी तरफ प्योरली हमारे पास मार्केट्स क्लस्टर्स के अंदर आ गए हैं. तो वो तो हमारे पास मार्केट का क्लस्टर, गवर्नमेंट ऑफिसेस का क्लस्टर, और फिर हमारे पास होम्स का क्लस्टर है. तो ये तो होमोजीनियस, ये क्लस्टर्स आपस में होमोजीनियस नहीं है. तो क्योंकि इसके अंदर जो है उनके अंदर होमोजीनिटी है, लेकिन अंदर एक्चुअली हमें हेटरोजीनिटी चाहिए. हमें ऐसा क्लस्टर्स बनाने हैं कि उसमें गवर्नमेंट ऑफिसेज भी आ जाएं, उसके अंदर आपके जो है मार्केट्स भी आ जाएं, उनके हाउसेज भी आ जाएं. तो इस तरह के अगर हम डिविजन कर सकते हैं एरिया को, तो वो अदरवाइज वो जो है हमारे क्लस्टरिंग जो है वो फीजिबल नहीं रहती. तो हमें क्लस्टर्स बनाते वक्त ध्यान ये रखना है. और फिर अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आपने लेट्स से हाउस होल्ड के ऊपर आपकी स्टडी है, तो आप देख लें कि आपके पास कोई ऐसा अगर जो भी एरिया है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कोई ऐसा हाउस होल्ड की कोई स्पेशल क्लस्टर ना बन जाए कि जो बिल्कुल यूनिक हो. हर क्लस्टर के अंदर हर तरह के लोग अगर रहने वाले मिल जाते हैं, तो फिर आपके पास उनमें से किसी भी दो क्लस्टर्स के ऊपर आप जो है आप रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू उनमें से उनके रिस्पॉन्डेंट्स को निकाला जा सकता है. तो आपने बेसिकली पहला जो क्लस्टर पिक किया उसको भी आप रैंडमली निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपके पास जो है उसके अलावा जो है उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रैंडम सैम्पलिंग. If you want to survey the resident, एक example है, if you want to survey the residents of the city, you would get a city map, take the sample of the city blocks and select the respondents within each city block. ठीक है, ये एक आपकी जिसको हम कहते हैं कि एरिया वाइज रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है. एरिया सैम्पलिंग और रैंडम इसकी इसमें रैंडमनेस है, क्योंकि हम जो पिक कर रहे हैं वो गेन वो हम रैंडमली पिक कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्रायर हमारे पास उनकी लिस्ट है, हाउस नंबर्स की लिस्ट है, या हमारे पास शॉप्स की लिस्ट है, या हमारे पास ऑफिसर्स की लिस्ट है. तो उसमें हमें पता है कौन है, क्या कौन सी है, तो हमारे पास वो पिक करना आसान है. तो ये एक एग्जांपल है आपकी अगेन प्रोबेबिलिटी बेस सैम्पलिंग की जो टेक्निक है, क्लस्टर सैम्पलिंग. अच्छा जनाब, इसके अलावा हमारे पास कुछ जिनको हम कहते हैं कि मल्टी स्टेज क्लस्टरिंग सैम्पलिंग टेक्निक भी कहलाती हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि दो स्टेजेस में हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. जैसे कि इसने डिफाइन करा है कि सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में, तो हमने क्या किया कि डिवाइड किया और हमने जो क्लस्टर पिक किया है वो जो है आपने उसको चूज कर लिया. तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं आपने अपने क्लस्टर को अपनी मर्जी से चूज कर लिया, लेकिन उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने बेसिकली रैंडमली चूज किया है. तो ये आपकी हो गई सिंगल स्टेज. लेकिन क्लस्टर सैम्पलिंग कैन बी डन एज ए स्वीक मल्टी स्टेज में भी कर सकते हैं. जैसे कि इफ वी हैव अ नेशनल सर्वे हमने किया है ऑफ एन एवरेज मंथली बैंक डिपॉजिट्स को हमने करना है, तो हम क्या कर रहे हैं कि क्लस्टर सैम्पलिंग करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन बेसिकली यूज दैट सेलेक्टेड अर्बन
सेमी अर्बन और रूरल जियोग्राफिक लोकेशन की स्टडी हमारी है. तो एट द क्या पहले पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि इसमें अगर ये से एक कंट्री का मैप है और उसमें मुख्तलिफ प्रोविंस या स्टेट्स हैं, हम क्या करते हैं कि पहले स्टेज पे हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन से स्टेट से हमने सर्वे करना है. तो आउट ऑफ द 52 स्टेट्स और फोर प्रोविंसेस ऑफ कंट्री, हमने उनमें से लेट्स से कहा कि हम दो में से करेंगे और हम वो स्टेट्स को उनको जो है सिलेक्ट कर लेते हैं. जैसे कि इसमें इस केस में कि सिलेक्ट हो गए हैं, दीज आर द वंस व्हिच हैव बीन सिलेक्टेड रैंडमली. आपके पास पहले से पता है कि लेट्स से 52 स्टेट्स हैं, इनमें से हम लोगों ने लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टेट्स को चूज करना है. वो कौन से 7 है, वो हमने 1 से लेके 52 के दरमियान में एक लिस्ट बनाई और हमने 7 जो है स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने स्टेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया. तो ये एक पहला स्टेज का रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक हो गई. फिर हमने क्या किया है कि जब अपने स्टेट जो आ गया, स्टेट आइडेंटिफाई हो गया, सिलेक्ट रैंडमली सिटीज. अब स्टेट के अंदर सिटीज भी हैं, तो सिटीज में को भी अगर आप एक एक प्रोविंस है उसके अंदर मल्टीपल सिटीज हैं, किस सिटी में जाना है, हर जो स्टेट है जो सिलेक्टेड है उसके अंदर जैसे एक के अंदर 10 हैं, किसी के अंदर 12 हैं, तो हर एक में से आपने जो 10 में से जैसे आपने दो सिटीज को आइडेंटिफाई किया जिनमें आप करेंगे, तो कौन सी दो सिटीज, अगेन जो रैंडमली आपने सिलेक्ट की हैं, खुद से अपनी मर्जी से नहीं, रैंडमली. तो यहाँ पे भी रैंडम हो गया, ये भी रैंडम हो गया, तो ये यानी स्टेज 1 पे भी रैंडम अप्लाई हो गया, स्टेज 2 पे भी रैंडम अप्लाई हो गया. इसी तरह आपके पास शहर के अंदर लोग हैं, उनके हाउस नंबर्स लिखे हुए हैं, या हमने कहा कि ड्वेलिंग्स, उसको शहर को हमने डिवाइड कर दिया इन टू डिफरेंट सेगमेंट्स. अब हम कहते हैं हम इसमें इसका करेंगे या इसका करेंगे और इसका करेंगे और इसका करेंगे. अगेन इसमें अगेन हमने ये कौन से, पहले हमने उनको डिवाइड क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया और क्लस्टर्स में हमने इंश्योर किया कि जो हमारे क्लस्टर्स हों वो हेट्रोजीनियस हों. और जब हमने उनको डिवाइड कर दिया तो उनमें से कौन कौन से क्लस्टर्स से हम डेटा लेंगे, हमने रैंडमली अगेन हम एक्चुअली 1 से 5 क्लस्टर्स थे, इनमें से हम लोगों ने कहा हम क्लस्टर नंबर 3 और क्लस्टर नंबर 4 में से हम डेटा लेंगे. आप क्लस्टर नंबर 3 में अगेन की गए और वहां पे हमें पता चल गया कि क्लस्टर नंबर 3 में हाउस नंबर 500 से लेके लेट्स से 700 तक के घर हैं और क्लस्टर 2 में 100 से लेके 150 तक के घर हैं. तो अब हमारे पास 500 से 700 तक घर हैं, 100 से 500 तक घर हैं, 150 तक घर हैं. अब ये जो है इसमें से हम लोगों ने कुछ रैंडमली निकाल लिए, इसमें से हमने कुछ रैंडमली निकाल लिए, तो ये स्टेज बैट मल्टी स्टेज हमारी जो है रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक है, जो अगेन आपको इंश्योर कर रही है कि आपकी जो है इसमें कोई बायसेस ना हो और एज मच एज जो चांस है सबका बराबर हो और वो बीइंग पिक्ड अप. तो ये एक सर्टेन टेक्निक है, प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग टेक्निक. इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं डबल सैम्पलिंग टेक्निक. इसमें बेसिकली हम पहले ही दफ़ा लेट्स से अगर हमने कोई इंटरव्यू करने जा रहे हैं, हमने रैंडमली आउट ऑफ द 50 पीपल जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो समझते हैं कि आइडियल हैं, उनमें से हम कहते हैं कि हमने 10 लोगों को उनसे हमने इंटरव्यू करना है. वो 10 जो लोग पिक किए हैं वो हमने लेट्स से रैंडमली पिक किए हैं. जब 10 लोगों में से हमें जब इंटरव्यू करने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे मिलती है, हम मजीद और उसको लेना चाहते हैं, तो हम उन अब क्या करते हैं, पहले 1 से 50 के दरमियान में 10 पिक किए थे, नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं और मजीद इन्फॉर्मेशन में चाहिए तो हम जो 1 से 10 जो पिक किए हुए थे उनको फिर उनमें से हम 3 या 4 लोगों को हम कहते हैं कि उनसे हम मजीद इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोरेशन चाहेंगे, मजीद एक्सप्लेनेशन चाहिए. तो अब क्या हो गया, अब 1 से 50 में इसके दरमियान में आपने 10 लोगों को पिक किया, फिर नेक्स्ट टाइम आप 1 से 10 में से फिर 2 लोगों को आप पिक कर लेते हैं. तो ये क्या है, डबल सैम्पलिंग टेक्निक कहलाती है. ओके, थोड़ी सी हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक के ऊपर भी हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि हर वक्त हमारे पास लिस्ट अवेलेबल हो, फ्रेम अवेलेबल हो, हमें पता हो कि हमारे रिस्पॉन्डेंट्स एग्जैक्टली कौन है. लेकिन समटाइम्स जल्दी और आपको क्विक जब आपको आंसर्स चाहिए होते हैं और आपके पास
प्रायर कोई फ्रेम अवेलेबल नहीं होता, तो फिर आप क्या करते हैं कि आप नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग की तरफ चले जाते हैं, जिनमें से एक टेक्निक है जिसको कहते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग. एज वर्ड सेज, सैम्पलिंग टेक्निक विच सिलेक्ट्स दी दो सैम्पल यूनिट्स मोस्ट कन्वीनियंटली अवेलेबल एट अ सर्टन पॉइंट इन. जो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी पहले दी थी कि आप मार्केट में चले जाते हैं, G6 की मार्केट में चले जाते हैं, किसी जिना सुपर में, या आप चले जाते हैं लाहौर में, आप किसी मार्केट में चले जाते हैं, फोर्ट स्टेडियम चले जाते हैं, वहाँ की मार्केट में चले जाते हैं. अब वहाँ पे कन्वीनियंटली जो आपको अवेलेबल है उससे आपने अपना सर्वे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया. तो ये आपके पास बेसिकली एक कन्वीनियंस बेस्ड सैम्पलिंग है. इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल एक वगैरह से कह सकते हैं कि कुछ ही तो इसके हमें एग्जाम्पल्स में बात करते हैं, लेकिन कुछ जो इसके एडवांटेजेस हैं, अगेन जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि ईजियर है इनको, यानी चीपर है, इन अ सेंस कि इसमें कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं इन्वॉल्व, लेकिन ये कन्वीनियंट है आपके लिए, इकोनॉमिकल है. और लेकिन इसके साथ इशू ये है कि ये एक सर्टन आप लेट्स से सर्टन कस्टमर बेस की रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास कोई फ्रेम अवेलेबल नहीं है. उनमें से वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो उस वक्त बाय चांस आए हुए हैं, ना कि जो मे बी ट्रू कस्टमर्स हों. ऐसा हो सकता है कि आपने लेट्स से फोटो स्टेडियम में आपने सर्वे करवा रहे हैं, क्वेश्चनर्स से पता कर रहे हैं कि सर्वे फोटो स्टेडियम में जो शॉप्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं कि नहीं एक्सपेंसिव. तो जो मे बी जो नया आदमी वहाँ पे बाय चांस आया हुआ है वो शायद इसका रिस्पांस ना दे सके, क्योंकि उसको पता नहीं है कि बाकी मार्केट्स का क्या सिचुएशन है, या बाकी मार्केट्स सस्ती हैं कि नहीं है, या फोर्ट स्टेडियम वो पहले आया ही नहीं है, फर्स्ट टाइम आ रहा है, उसको नहीं पता प्राइसेस के बारे में कैसी हैं, फर्स्ट टाइम आ रहा है. तो उसका रिस्पांस अगर आप ले लेंगे तो वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्केट गोअर्स एट फोर्ट स्टेडियम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि वो बाय चांस उधर मौजूद था और उसने आपने उससे पूछ लिया और उसने कहा कि नहीं मैं नहीं जानता, या अगर उसने बताने की कोशिश भी की तो लेकिन इट डजंट नो इन रियलिटी. तो अब ये बात है कि इसके सर्टन, जैसे हमने कहा कि कन्वीनियंट तो है और जल्दी भी हो जाता है, लेकिन इसको हम कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं हम कह सकते. इसके रिजल्ट्स को हम बहुत टेंटेटिवली और मोहतात तरीके से इस्तेमाल करते हैं. जब हमारे पास ने कहा कि अगर हमारे पास एक्सप्लोरेटरी लेवल पर स्टडी हो रही हो तो फिर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब एक्सप्लोरेटरी है तो उसको हम ओवरऑल जनरलाइज नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम प्रॉपर एक पॉपुलेशन के ऊपर उसको हम जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं. तो ये कुछ उसकी डिसएडवांटेजेस हैं. इसके अलावा आपके पास जजमेंट सैम्पलिंग है जिसको हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग कहते हैं. अगेन ये भी बेसिकली इसको समटाइम्स पर्पसिव सैम्पलिंग भी कहते हैं. इसमें एक सैम्पलिंग टेक्निक होती है कि जिसमें बिजनेस रिसर्चर्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं सैम्पल बेस्ड ऑन द जजमेंट अबाउट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कैरेक्टर. जो अप्रोप्रिएट उनको लगता है उसके मुताबिक वो बेसिकली दिस इज द की वर्ड कि जो अप्रोप्रिएट उनको लग रहा होता है उससे वो डेटा ले लेते हैं. तो अगेन ये जजमेंट यूज हो रही होती है ऑफ द रिसर्चर कि अच्छा ये इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर ये इंडिविजुअल जो हैं ये ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं. अब इसमें आपकी बायसेस भी आ सकती हैं, आपकी प्रेफरेंसेस भी आ सकती हैं, आपका व्यू भी आ सकता है, और आपकी अगेन अपना मेंटल फैकल्टीज जो हैं कुछ लोगों की जो है वो किसी हद तक बायसेस हो सकती हैं या उसकी लिमिटेशंस हो सकती हैं. तो जब आप अपने जहन से सोच के कि अच्छा जी इसके लिए बेस्ट लोग कौन होंगे, वो आपके अपना जो है बायसेस आ जाती हैं, अपने प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, अपनी लाइकिंग आ जाती हैं, और उसमें क्या होता है कि अगेन रिस्क इज दिस कि वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन नहीं होता. तो जजमेंट सैम्पलिंग जो है उसमें आपकी अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कैरेक्टर जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपका रिसर्चर आइडेंटिफाई करके कहता है कि मेरी जजमेंट के हिसाब से इस सर्वे के लिए ये इंडिविजुअल जो है बेहतर रहेंगे, और मे बी वो ठीक भी हो मे बी गलत हो. तो इसमें जैसे कि ऐसे हो सकता है कि अगर मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ कि रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ जिसमें स्पोर्ट्स एंड
आपके डिफरेंट तरह की सेमिनार रूम्स, आपके पास हॉल्स या इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसके बारे में मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो क्या है कि मैं उन स्टूडेंट्स को समझता हूँ कि जी आइडियल होंगे जो कि सचा जो कि स्पोर्टिंग इवेंट्स में हिस्सा लेते हों, जो डिबेट्स में हिस्सा लेते हों, जो मुख्तलिफ सेमिनार्स में हिस्सा लेते हों. तो मैं अपना जजमेंट यूज़ करते हुए कहता हूँ कि अगर मैंने असेसमेंट करवानी है तो ये लोग आइडियल होंगे, तो क्योंकि ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनसे मैं सर्वे करा रहा हूँ. तो ये ओवरऑल स्टूडेंट बॉडी की जो शायद रिप्रेजेंटेशन ना हो, लेकिन मैंने अपनी जजमेंट इस्तेमाल, क्योंकि ये हमने कहा कि शायद एक्सपोज्ड हैं, ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो अगर हम इस सेंस में अगर हम कहते हैं कि हमारी जो रिस्पॉन्डेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि हम खुद विद आवर ओन जजमेंट चूज़ कर लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि पर्पसिव सैम्पलिंग है. और इसके प्रॉब्लम्स एज अ सेट कि ये हो सकता है कि ये आपकी जो है आपकी इसमें जजमेंट इन्वॉल्व है और इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, बायसेस आ सकते हैं. ओके, तो थोड़ा सा इसको रीकैप करते हैं कि हमने क्या बात की. हमने स्टार्ट किया था कि हमने कहा था कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो यूज़ की जा सकती है, या थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज़ की जा सकती हैं. यूजली जो बेस होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक का वही है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी वही इसी को यूज़ किया जाता है. कहीं ना कहीं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ किया जाता है कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्टेजेस में या स्टेप्स में या ग्रुपिंग करके आप उसको कैसा जो है अपने पॉपुलेशन को, और उसमें से फिर आप डेटा कलेक्ट करते हैं. तो है बेसिकली अगेन इन जो भी प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग है इनके रूट में जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है वो कहीं ना कहीं किसी ना कहीं स्टेज पे अप्लाई होती है. मे बी फुल सैम्पल कलेक्शन के ना हो, मे बी पार्शली हो, जैसे हमने कहा कि क्लस्टर्स के अंदर हम करते हैं कि हम सारे क्लस्टर्स से डेटा नहीं लेते, या हम सिर्फ दो या चार क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनमें से फिर हम डेटा लेते हैं, या हम जो है आपके पास सिंपल जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक है उसमें भी गेन हम जनरली एक फुल बॉडी ऑफ जो है रिस्पॉन्डेंट्स हैं, जो सैम्पल साइज है उसको हम पिक कर लेते हैं और कहते हैं कि जिसमें से हम इतना सैम्पल ड्रॉ करेंगे, तो उसमें हम सिंपल रैंडम जैसे थ्रू अ हैट का जो हमने कहा था कॉन्सेप्ट, या एक बॉक्स का कहा तो उसमें से हम इसे निकालते हैं. या फिर हमने बात की सिस्टमैटिक सैम्पलिंग की टेक्निक की बात की कि हम क्या करते हैं कि पहला जो है जो रिस्पॉन्डेंट है, पहला जो आइटम है, पहला जो इवेंट है, या पहला जो मशीन है जो हम पिक करते हैं, वो हम रैंडम सिंपल रैंडम टेक्निक से करते हैं, और बाद में जितनी भी हैं वो हम बाद में और एक सिस्टम से करते हैं. इसके अलावा हमने फिर बात की कि प्रोबेबिलिटी में हमने जो है एक और मल्टी स्टेज सैम्पलिंग टेक्निक की भी बात की, जिसमें हम स्टेज दर स्टेज हम अपने सैम्पल को रैंडमली आइडेंटिफाई करते चले जाते हैं, और फिर उसमें से अंदर से जाके हम लेते हैं. जैसे कि हमने देखा कि हम पहले प्रोविंस को सिलेक्ट किया तो वो भी रैंडमली किया, प्रोविंस के बाद हमने सिटी को सिलेक्ट किया वो भी रैंडम किया, सिटी के अंदर जो उसके सेगमेंट्स हैं क्लस्टर्स हैं उनको भी रैंडमली किया, और उसके बाद फिर हमने एक्चुअल हाउसेस जो हैं जो उनमें से उन क्लस्टर्स में से हैं उनको भी रैंडमली किया. तो ये आपको मल्टी स्टेज कहते हैं. और नॉन प्रोबेबिलिटी बेस में हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात की और हमने जजमेंट सैम्पलिंग की बात की. अब ये दोनों जो हैं ये भाई उसी सूरत में है कि जब आपके पास पहले से फ्रेम अवेलेबल ना हो. जब फ्रेम अवेलेबल नहीं है, आपको पता नहीं है कि एक्चुअल जो है मेरे पास रिस्पॉन्डेंट कहाँ होंगे, तो उस सेंस में है. अब इस केस में जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल जजमेंट की दी थी वो थोड़ी सी इन अ सेंस थोड़ी सी उसको मॉडिफाई इस तरह करना पड़ेगा कि हम जब स्टूडेंट्स की बॉडी ले रहे हैं तो जनरली हमें पता होता है कि कौन से हमारे एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो हमने जजमेंट में जो इंडिविजुअल्स पिक किए हैं वो हमने किसी रैंडम टेक्निक के थ्रू नहीं पिक किए. हमने बाय नोइंग सर्टेन पीपल जो हम जिनको हम जानते हैं, ऑल दो स्टूडेंट तो हमारे पास उनकी लिस्ट अवेलेबल है,
लेकिन हमने थ्रू दी जो स्टूडेंट आईडी है उस तरह उनको पिक नहीं किया, हमने पिक किया है जो मेरी जजमेंट के हिसाब से वुड बी आइडियल, और जो मैंने जानता हूँ जिनको कि जो स्पोर्ट्स में से लेते हैं उनमें मैं शायद सारों को ना जानता हूँ, और मैं जिनको जानता हूँ मे बी वो ऐसे हों जो उनके सर्टन ओपिनियन जो मेरे ओपिनियन से या उससे मैच कर दें, तो वहाँ पे मेरी जजमेंट आ रही है और जजमेंट को यूज़ करते हुए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ठीक है इन लोगों से खाली ले लिया जाए। ऑल दो पॉसिबिलिटी है उस केस में वहाँ पे कि आप कर सकते थे और कर भी सकते हैं, तो जहाँ पे आप पॉसिबिली आपके पास फ्रेम अवेलेबल है आप उसको कोशिश करें कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग को यूज़ करें, उसमें से जो सैम्पल्स ड्रॉ करें वो प्रोबेबिलिटी रैंडमली उन सैम्पल्स को ड्रॉ करें, क्योंकि वो आपकी जो आगे जितनी मेथड्स हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं वो इसके ऊपर बहुत रिलाय करते हैं। ऑल दो अब कुछ ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जो कि आपको अगर डेटा रैंडमली नहीं भी है तो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अदरवाइज मोस्टली रिसर्च कम्युनिटी जो है वो आपके रिजल्ट्स को तभी वेटेज देती है जब आपने उसको किसी रैंडम तरीके से डेटा को सिलेक्ट इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट किया हो, इवेंट्स को सिलेक्ट किया हो, क्योंकि ये क्रेडिबिलिटी ही आप लाती है, इसमें कोई बायसेस को जो है वो एलिमिनेट करते हुए चली जाती है, और जनरली ये एक बेहतर तरीका है आपकी सैंपल को रिप्रेजेंट करने का, सॉरी आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने का, रादर देन कि आपकी मर्जी जो है इन्वॉल्व या कन्वीनियंस इन्वॉल्व हो जाए, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। लेकिन अगर आपकी रिसर्च में ऐसा है कि आपने जल्दी जल्दी से कुछ लोगों से इंटरव्यू लेना है, पूछना है कि पार्किंग का इशू तो नहीं है इस मार्केट में, तो आप पार्किंग लॉट में चले जाते हैं और लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं। अब आपको पता नहीं कि कौन लोग हैं जो इधर पार्क करते हैं, मे बी जिस शख्स ने वहाँ पे आपको सर्वे फेंक दिया वो उसका वो फर्स्ट टाइम है और उसको पार्किंग मिल गई, उसने कहा नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन एक इंडिविजुअल जो रेगुलरली वहाँ पे आता है वो आपके उस दिन नहीं आया, वो आपसे स्किप हो गया और वो आपको शायद कहता कि नहीं बहुत मसला है, तो वो वहाँ पे चांस है कि मिस होने की चीज़ें सर्टेन, तो अगेन उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाती है। बट समटाइम्स आपको करना पड़ती है, आपके पास टाइम थोड़ा होता है, आप कहते हैं अच्छा जल्दी से मैं कर लेता हूँ, चलें थोड़ा बहुत गलत भी है तो मुझे जनरल ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा, अगर दो चार लोग गलत भी मिल गए उनमें से मुझे छः सात आठ लोग जो हैं वो सही भी मिल जाएंगे जो शायद उनके, तो मेरी ये जनरल जो सजेशन यही है कि सी के इफ यू कैन डेवलप अगर फ्रेम अवेलेबल है। हाँ एक चीज़ है, समटाइम्स आपके पास अगर टाइम अवेलेबल है, रिसोर्सेज अवेलेबल है, आपके फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप अगर फ्रेम अवेलेबल नहीं है तो यू कैन ट्राई एन एफर्ट कि पहले फ्रेम डेवलप कर लिया जाए। उसमें यह है कि ऑल दो एफर्ट तो लगेगी क्योंकि आपको लोगों को या आइटम्स को आपको एक लिस्ट में पहले फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जैसे हम कह रहे थे कि आपके पास सर्टन मशीन्स हैं आपके फैक्ट्री में लगी हुई और सिमिलर टाइप की मशीन्स लगी हुई हैं, मे बी 200 मशीन्स लगी हुई हैं, अगर आईडीडी उनके उनको नंबरिंग होनी चाहिए, नहीं हुई तो उनकी नंबरिंग कर लें, और इससे आपको क्या होगा जब नंबर करेंगे तो आपके पास एक फ्रेम अवेलेबल हो जाएगा और आप आसानी से अपनी इसके ऊपर जब सिलेक्ट जो करनी है कि किस मशीन के उनकी अगर हमने क्वालिटी वाइज देखना है, उसके आउटपुट वाइज देखना है, तो उस मशीन को जब हम पिक करेंगे तो हम रैंडमली पिक करेंगे क्योंकि हमारे पास अब 12 50 से 200 मशीन जो हैं उनका सीरियल नंबर लगा हुआ है, तो राधा दैन कि सुपरवाइजर ने कहा अच्छा इस मशीन से ले लो, उस मशीन से ले लो, इस मशीन से इसके आउटपुट चेक कर लो, तो अगेन इसमें बायसेस के चांसेस हैं, इसमें कन्वीनियंस आती है लेकिन अगेन बायसेस आ सकती हैं, तो जहां पॉसिबल है कोशिश करें कि फ्रेम अवेलेबल है उसको यूज़ करें और फिर उसके बेसिस पे करें। जैसे मैंने उस स्टूडेंट की एग्जांपल दी थी तो उसमें अगेन आप आइडेंटिफाई कर लें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते रहते हैं, उनकी एक लिस्ट पहले बनवा लें, किसी भी डिपार्टमेंट से जिनको आप जानते हैं जिनको आप नहीं भी जानते हैं, एक पूरी थोड़ी एफर्ट करके लिस्ट बना लें, और दो ओवरऑल स्टूडेंट की लिस्ट है लेकिन ये जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है इनकी एक लिस्ट बनवा लीजिए सेपरेटली, और इनमें से फिर आप रैंडमली पिक करवा लें, वो उनमें से कोई सा भी आईडी हो सकता है, स्टूडेंट आईडी हो सकता है जो कि पिक हो जाए, स्टूडेंट हो सकता है जिसको पिक किया जाए, तो ये एक जनरली अप्रोच है जो आई वुड रिकमेंड कैसे कीजिए, और ना इसके इसकी वजह से आपकी जो स्टडी में है वो ज़्यादा क्रेडिबिलिटी आ जाती है।
विद दिस आज के हम सेशन कंक्लूड करते हैं और विल कंटिन्यू विद दिस अगेन. थोड़ी सी सैम्पलिंग टेक्निक्स को मजीद बात करेंगे और उसमें स्पेशली हमने अभी एक दो चीज़ों को डिस्कस नहीं किया, सच एज कॉन्फिडेंस और प्रिसिजन की हमने कहा था बात करेंगे और सैम्पलिंग साइज की हमने कहा था हम बात करेंगे. तो ये नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे. विद दिस वी कंक्लूड द सेशन. अल्लाह हाफिज़. अस्सलामु अलैकुम.